hath rickshaw. Kolkata's very own and very special. दुनिया में कोलकाता ही एक ऐसा शहर है जहां आज भी चलता है हाथ रिक्शा। लोग कहते हैं कोलकाता इज द सिटी ऑफ लव, लाइफ एंड ह्यूमैनिटी, बट आई फील हैंड ड्रिवन रिक्शॉज आर अ रियल डिसग्रेस टू ह्यूमैनिटी एज सच। इसे देखकर सत्यजीत रे की फिल्म आगंतुक की याद आती है, जिसमें कहा गया था, कमिंग टू कलकत्ता आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड टूर आई फाइंड माई सिटी इन द सेम पोजिशन, मैन इज पुलिंग रिक्शा। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ, मुझे एक डिप्लोमा फिल्म बनाना है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। एक दिन कॉलेज स्ट्रीट गई बुक खरीदने और फंस गई बारिश में। उस दिन मैंने देखा था पानी से भरे हुए सड़क पर एक ओल्ड रिक्शा पुलर पैसेंजर को बिठाकर कैसे कैसे कसरत कर रहा था, और अचानक सब्जेक्ट भी मिल गया, द रिक्शा, हेरिटेज और डिस्ग्रेस। शुड बी फील प्राउड अबाउट रिक्शा, द इनह्यूमन व्हीकल। वेबसाइट से पता लगा द हैंड रिक्शा वॉज डिजाइंड इन अबाउट 1870 इन जापान। विदिन एज लिटिल एज अ डेकेड ऑफ इट्स इन्वेंशन, द रिक्शा वॉज फर्स्ट सीन in Shimla, in the hills of North India, in 1880. 20 years later, they were introduced to Calcutta for the carriage of goods by the members of the Chinese community. In 1914, that community obtained permission to operate rickshaws as passenger transport. डायना डायना डायना, थोड़ा आगे ले चलो। बस 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 बस, रुको रुको रुको। ये लो बाबू, 20 रुपया चाहिए बाबू। काहे? 20 रुपया भाड़ा है। काहे? नया है क्या? ठीक दिया है, लेना ठीक है बाबू, तो और 2 रुपया एक पैसे ज्यादा नहीं देंगे, लेना है तो लो, एक पैसा ज्यादा नहीं देगा ना, समझा? साला कंजूस कहेगा। ये है रामसरन, कोलकाता के 15,000 रिक्शा पुलर्स में से एक, रोजी रोटी की तलाश में कमर तोड़ मेहनत करता हुआ। इनका कहना है कि दिस प्रोवाइड्स अ डेस्परेटली नीडेड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड, जो यूपी बिहार के गांव से कोलकाता आते हैं। दो भाई, और एक मिर्ची दो।
हेलो, हाँ अभी, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। राम शरण, डायना चलो। यहीं पर? नहीं नहीं थोड़ा आगे, बस बस यहीं। रामशरण जी आज जाना पड़ेगा। तो फिर कल? हाँ कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है? ठीक है जी। जय बजरंगबली। चल रहे आ जाए एक एक करके। ईका और कहा? बाजार अच्छा नहीं आ छे बाबू। तो मैं क्या करूं? अरे तेरा तो पहले ही 200 रुपया बाकी है, जो है सब निकल निकल। अरे निकल, ए ए पकड़। कुछ नहीं है मालिक, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, मालिक माफ कर दीजिए मालिक। ये का है? हाँ ये का हमसे चला के? हाँ झूठा का ये का पता है? घर में एक दाना अनाज नहीं है, बच्चों भी बीमार है मालिक। आज छोड़ दीजिए मालिक, सब चुका देंगे। निकल, सच बोल रहा हूँ मालिक, सब चुका देंगे। निकल यहाँ से मालिक, अभी निकल। सब से कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। झूठा, बड़ा धूरत हो गया। हम चोर
क्या? आज भी कमाई नहीं हुई? अरे चुप क्यों है? क्या खिलाओ तेरे बच्चों को? भूख भूख भूख, मर क्यों नहीं चाहती तू? ले ले एक खा के एक एकदम चुप। क्या कर रही है तू? छोड़ती है कि नहीं? कमा क्यों नहीं लाते हो? छोड़। बच्चों पर गुस्सा काहे उतरती है रे? जो कहना है हमसे बोल। कहने सुनने से क्या फायदा, रोज रोज एक ही राग लगता है। काम करेगा तब ना कमाई होगी। सारा दिन कहाँ कहाँ मरता है क्या जाने। बड़ाला पर चपर करने लगी है आजकल। कभी एक दमड़ी कमा कर देख तब जाने। आहा, जोड़ू कमा लाएगी और तू खाएगा? ना मर कहीं का। क्या बोली, फिर से बोल। ना मर, ना मर। निकल साली, ना मर कहिए। जोड़ू कमाएगा। रुपया चाहिए? लजाती कह रे, बोल बोल कितना चाहिए? जितना चाहिए ले जा, बच्चे का इलाज करा, मैं हूं ना। जाते वक्त अनाज भी लेती जाना। ले उठा ले, हले। I'm not afraid.
अरे यादव, क्या हाल चाल है भाई? ये रामशरण है। अच्छा, मेरे गांव का ही है, बहुत मुसीबत में है, इसे एक रिक्शा दिला दो। बहुत मुश्किल है यादव, कोई रिक्शा बैठा नहीं है। तू बोल रहा है तो जरूर दे देती। आ, आ। अनवर भाई, कुछ तो रास्ता निकालिए, नहीं तो ये बेचारा बीवी बच्चों के साथ मर जाएगा। अरे तू भी आ, आ, ले, ले। अच्छा सुन, एक टूटा हुआ रिक्शा पड़ा है, उसे तू मरम्मत करा ले, क्यों? ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन इसे जमा मत लेना। तू तो हमें अब सब तरफ से मारेगा। ठीक है, जमा नहीं लेंगे, पर मरम्मत का जो रुपया लगेगा इसे भरदेने को कहना। हुँ? क्यों भैया? रामशरण को एक पुराना रिक्शा मरम्मत करवाना था। आई वेंट अलोंग विथ हिम, क्योंकि रिक्शा के मेकिंग के बारे में मैं भी जानना चाहती थी। तो लगन गया है, हमको अब जाना है। वो बात नहीं बोल रहा है। दिस इज द हैंडल विच इज कॉल्ड कंपास, और यहाँ पहियों के बीच में एक नट टाइप की चीज लगाई जाएगी, जिसे पूंछ कहते हैं। ये पहिया लकड़ी का बना है, इस वुडन बार को धुरा कहते हैं, और इसके साथ पहियों को पूंछ द्वारा अटैच किया जाता है। कहा जाता है हैंड रिक्शाज आर प्रोडक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स, और रामशरण जैसे रिक्शा पुलर्स इनह्यूमन लेबर करने के बावजूद तब तक इसे चलाते रहेंगे जब तक डायर पॉवर्टी एग्जिस्ट करेगी।
खाट पर बैठाया, जाने काहे बैठाया, तूने जिसे जन्म दिया काहे